हेलो फ्रेंड्स, आज 1.1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसमें ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब हमने लिख दिया 1.1। ठीक, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दशमलव है, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे पेयर बनाते हुए। तो देखिए, पेयर बनाएंगे तो यहाँ केवल वन है, तो कोई पेयर नहीं बना, केवल वन है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में चलेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर को चलेंगे और राइट हैंड साइड में अब पॉइंट के इधर को चलेंगे। अब पेयर बनाएंगे इधर को, ठीक, तो यहाँ भी वन है, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 1.1 कहें या 1.10 कहें तो एक ही बात है। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ठीक, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया और 1 1 जा 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। ठीक, अब 1 और 1 को ऐड कर दीजिए, 2 हो गया। ठीक, अब इधर जो है 10 आ गया, ये ऊपर डेसिमल हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे? अब 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 ये है और 5 जा करेंगे तो 2 के पीछे 5 लगाना पड़ेगा और यहाँ नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा, ये 20 ये स्थिति बनेगी। तो उसके बाद 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, इधर तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, जबकि यहाँ 10 है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? तो इसमें जीरो लगाएंगे, तो जीरो भी जो है पेयर में आता है, तो ये पेयर में जीरो आ गया, ये पेयर में जीरो आ गया। ठीक हो गया, अब जब हमने ये जीरो यहाँ उतारे तो उस समय की स्थिति क्या बनती है? जैसे सामान्य भाग विधि में बनता है तो ये जीरो यहाँ पर आ जाता है एक, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा। ठीक, अब डिवाइड कीजिए, अब 20 से 100 को कीजिए, 25 या 100 होता है, लेकिन फिर वही चीज आएगी, 5 टाइम से मत कीजिए, 4 टाइम से कीजिए, तो 4 यहां भी आ जाएगा। ठीक, तो 4 इधर भी आ जाएगा ये। अब 204 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 816। ठीक, आप 1000 में से इसको माइनस कर लीजिए तो 184 आ गया। ठीक, यहाँ 204 में 4 को ऐड कीजिए, 208 आ गया। अब क्या करेंगे? अब जो है कि 208 है, इधर 184 है, भाग जाएगा नहीं, तो फिर जो है जीरो बढ़ाइए, जीरो पेयर में आएगा, ये पेयर में आ गया। ठीक, अब इसको 2 9 जा 18 होता है तो 8 टाइम से ही दीजिए इसको, 8 यहाँ भी 8 कीजिए, ऊपर भी 8 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब 2 0 8 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 कैरी था तो 70 हो गया। ठीक, तो 8 2 जा 16, ये देखिए, अगर मैं 9 टाइम्स करता तो ये 18400 से भी बड़ी डिजिट हो जाती नीचे की। ठीक, इसलिए हमने 8 ही टाइम्स किया। अब इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, 6 इधर 9 रहा, 13 माइनस 7 6 रहा, तो यहाँ 7 माइनस 6 1 रहा। ठीक है, 2088 से छोटी डिजिट आई, ठीक, इसीलिए 8 टाइम्स किया था, 9 टाइम्स करते तो ये डिजिट बड़ी हो जाती, तो इसमें से ये माइनस नहीं होती है। तो ये आ गया आपका 1.1 का स्क्वायर रूट भाग विधि से जो आ गया, ये आ गया 1.048। ठीक है, अगर हम आगे को निकालना चाहें तो इसी तरह से जो है कि आगे को बढ़ा दीजिए, ये ऐड हो जाएगा इसमें, फिर आगे को आप चलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।